तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आपने रेडमी 12 5G फ़ोन परचेज कर लिया है तो उसमें आपको कुछ 20 सेटिंग्स ऐसी कर लेनी है जिससे कि आपको फ़ोन चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपने फ़ोन परचेज किया तो यदि आप सेटिंग्स में जाएंगे और एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, मेमोरी एक्सटेंशन में जाएंगे, तो यहां से आप 4GB तक रैम को यहां पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने 4GB पर क्लिक किया, रिपोर्ट किया। अब हमारे फ़ोन की रैम देखेंगे आप 4+4GB यानी कि 8GB यहाँ पे हो चुकी है। अब आगे बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे आप यदि पावर बटन दबाए रखते हैं तो उससे आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाता है और जो हम पावर ऑफ करने के मेन्यू जो होते हैं वो ओपन नहीं होते। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स, गेस्चर शॉर्टकट्स। अब यहाँ पे लॉन्ग गूगल असिस्टेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। जब आप पावर बटन से अब यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो आपका पावर मेन्यू ओपन हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो UI होती है फ़ोन की वो सिंपल से होती है और यहाँ पे आप देखेंगे सब चीज़ आपके सिंपल देखने को मिलती है। इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे थीम्स ऐप में आप जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना और यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेनी है तो इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर देंगे, आपका पूरा फ़ोन का लुक चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए पूरा फ़ोन एकदम नए लुक में हो चुका है। यहीं से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का इंटरनेट को यूज ना करे, होता क्या है लॉक स्क्रीन पे से कोई भी आता है आपका इंटरनेट इस तरीके से ऑन करके हॉटस्पॉट यहाँ से ऑन करके और आपका इंटरनेट यूज करने लग जाता है, तो इस चीज़ को आप बंद कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाएंगे, आइटम शोइंग ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल सेंटर ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी बंदा आपके कंट्रोल सेंटर को यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन में यहाँ पे शो ना हो तो उसको करने के लिए आपको इस चीज़ को भी ऑफ कर देना, नोटिफिकेशन सेट। अब यहाँ से आपकी नोटिफिकेशन भी कोई नहीं देख पाएगा और यहाँ से आपका कंट्रोल सेंटर भी नहीं खुलेगा। और एक सेटिंग और ऑन कर लेना, लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक करके डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो लॉक स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन आती हैं वो भी यहाँ पर शो नहीं होंगी। अगली सेटिंग उन लोगों के लिए है जो फेस अनलॉक लगाते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देखिए लॉक स्क्रीन पर फेस अनलॉक लगाया हुआ है मैंने और यहाँ पे आप देखिए राइट का निशान आ गया लेकिन हमारी लॉक स्क्रीन जो है वो अनलॉक नहीं हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको क्या करना, सेटिंग्स में जाएंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, फेस अनलॉक पैटर्न डालेंगे, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको ऑफ कर देना है। अब क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पर चेहरा सामने लेकर आऊँगा लॉक खोलने के लिए तो फटाफट मेरा जो फ़ोन है अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से सेटिंग को कर सकते हैं। अगली सेटिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन पर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए फिंगरप्रिंट को मैं इस तरीके से टच करता हूँ और टच करने मात्र से ही ऑन हो जाता फ़ोन। कभी कभी हो सकता है हमसे गलती से इस तरीके से टच हो जाए और हमारा फ़ोन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो इसको ऑफ करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट अनलॉक पैटर्न डालेंगे और यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मेथड जो है उसको यहाँ पे प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ तो यहाँ पे ये चालू नहीं हो रहा है, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो ऐसे ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो हमारा अनलॉक हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। अगली सेटिंग है ब्राइटनेस के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक ही ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज़ को बंद करने के लिए यहीं पर आपको बटन दिया हुआ है ऑटो ब्राइटनेस का, सिंपल इस पर क्लिक कर देना, भाई ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आपकी ऑफ हो जाएगी। अब आप जिस तरीके से एडजस्ट करेंगे जब भी आपकी जो ब्राइटनेस एडजस्ट होगी ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होने वाली। अगली जो सेटिंग है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जैसे कि मान चलिए आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और आप किसी के सामने पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे जो पासवर्ड है हमारा वो थोड़ी देर के लिए शो होता रहता है। इस तरीके से क्या हुआ, कोई भी साइड हमारे बैठा हुआ है वो हमारे पासवर्ड को देख सकता है कि हमने पासवर्ड क्या डाला है। तो इस चीज़ को बंद कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी और शो पासवर्ड को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ टाइप करूँगा, पासवर्ड का कोई भी लेटर यहाँ पे शो नहीं होगा। अगली जो सेटिंग है वो आपको करनी है, यदि आप चाहते हैं जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से आप होम बटन दबाते हैं, मेन्यू बटन दबाते हैं, बैक बटन दबाते हैं, ये आप ना दबाएं साइड से बैक करें, तो इसके लिए क्या करना, आपको सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन पर जाना है, सिस्टम नेविगेशन पर और यहाँ पर गेस्चर पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, जब आप होम पर जाएंगे तो स्वाइप आप इस तरीके से कर देना है, आपको बैक जाने के लिए राइट से या लेफ्ट से आप स्वाइप कर सकते हैं, मेन्यू बटन के लिए आप इस तरीके से स्वाइप अप करके रखेंगे आपका टास्क बार यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों यदि आप YouTube पर गाने वगैरह सुनते हैं तो आपके लिए ये सेटिंग सोने पर सुहागा हो जाएगी। इसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स, फ्लोटिंग विंडोज और साइड बार पर क्लिक करके इसको शो व्हाइल प्लेइंग वीडियोज़,
इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर देना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वीडियो ऐप्स में जाके आपको यहाँ पे यूट्यूब शो रहा होगा या जो भी वीडियो प्लेयर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप बैकग्राउंड में सुनना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन पर भी तो आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने इसको ऑन कर रखा है। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब में जाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी गाना सुनेंगे और गाना प्ले करने के बाद क्या करना आपको यहाँ पे इस तरीके स्लाइड करना, यहाँ पे आपको कान दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। और इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए गाने के बाद जो आपकी लॉक स्क्रीन पर भी आती रहेगी, यहाँ पे आप देखिए लॉक स्क्रीन मैंने चला रखी है। इस तरीके से आप गाना लॉक स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं। एक सेटिंग्स मैं आपको इस तरीके की बता देता हूँ, जिससे आपका जो पावर बटन है उसको आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा कि आपका जो पावर बटन लॉन्ग टर्म तक काम करते रहे कई सालों तक। तो इसके लिए आपको क्या करना, सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन पर जाएंगे और ये डबल टेप टू वेकअप और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद क्या होगा, यदि आप फ़ोन को यहाँ पे लॉक कर देते हैं तो लॉक करने के बाद डबल टेप करेंगे और आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो जाएगी और फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अगली जो सेटिंग है वो उन लोगों के लिए है जिनके हाथ छोटे हैं या एक हाथ से हम फ़ोन को चलाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं यदि फ़ोन को एक हाथ से चला रहा हूँ, ऊपर तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सेटिंग इनेबल कर सकते हैं और एक हाथ से हम फ़ोन को चला सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स, वन हैंडेड मोड, और इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, अब मैं एक हाथ से अपने फ़ोन को चलाता हूँ, किस तरीके से चलाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखिए जो होम बटन है ना, होम बटन को स्लाइड करके इस तरीके से आपके बैक को साइड को लेकर आना है। उससे क्या होगा कि अब मेरा 100 मोड यूज़ होने लग गया है, अब मैं एक हाथ से अपने फ़ोन को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 100 मोड में यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह खोल के 100 मोड यूज़ किया और उस तरीके से मैं एक हाथ से अपने फ़ोन को चला रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से काम करेगा, आप यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। पावर बटन से मेन्यू की तरफ जाएंगे तो आपका 100 मोड चालू हो जाता है और जो खाली जगह ऊपर पड़ी हुई यहाँ पर टच कर देंगे तो ये एग्जिट हो जाता है। यदि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक सेटिंग आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं कि आपको ऊपर ही स्टेटस बार में स्पीड मीटर शो होगा। तो इसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाना है, स्टेटस बार पर जाना है और यहाँ पर शो कनेक्शन स्पीड, इसको आपको ऑन कर देना है। यहाँ पर आप देखिए स्पीड पहले गायब हो चुकी है, अब यहाँ पर स्पीड शो हो रहा है कि कितने kbps की स्पीड आ रही है, कितने mbps की स्पीड आ रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हॉटस्पॉट से अपने दोस्तों को इंटरनेट देते हैं तो आपको एक सेटिंग जरूर कर लेनी चाहिए। या आप सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे वन टाइम डाटा लिमिट लगा देनी है। अब यहाँ से क्या होगा कि जब भी आप हॉटस्पॉट को ओपन करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस बंदे को कितना इंटरनेट खर्च करवाना है, 50 MB, 100 MB, 150 MB, 200 MB, या कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको 20 GB खर्च करवाना है या 20 MB। उसके बाद ओके कर देंगे। अब क्या होगा कि जब आपका दोस्त आपका इंटरनेट यूज़ करेगा तो केवल 20 MB यूज़ कर पाएगा, उसके बाद हॉटस्पॉट आपकी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अगली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। अब नॉर्मली क्या होता है, हम पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते हैं, हमको नहीं पता कि हम कितना फ़ोन चला रहे हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाने वाला है कितना बार आपने फ़ोन को अनलॉक किया है, कितनी नोटिफिकेशन आई है और कितने टाइम आपने अपने फ़ोन को चलाया है। इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से ऐप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो सारा टाइम यहाँ पे आपका शो हो जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप कहीं पर फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि मेरे को बैटरी बहुत ज़्यादा चलानी है अपनी, ठीक है, और आपकी बैटरी परसेंटेज बहुत कम है, तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन जो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 35 घंटे 42 मिनट मेरा फ़ोन चल जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज में आपको दिखाऊँ तो परसेंटेज आप देखिए 42% मेरे फ़ोन में है, तो यहाँ पर 35 घंटे काफ़ी होता है। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप ऐप्स को ऐड भी कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स ऐसे हैं जिनको आपको यूज़ करना है, आप उनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप उनको यूज़ कर पाएंगे और इंटरनेट वगैरह आप यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके के स्टाइल आपको देखने को मिल रही है। यदि आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे गूगल खुल जाता है और आप चाहते हैं कि नीचे से मेरे ऐप्स यहाँ पे दिखें, तो उसके लिए क्या करना, आपको सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन पर जाना है, होम स्क्रीन पर क्लिक करके आपको विद ऐप ड्रॉअर पर क्लिक कर देना। अब क्या होगा, जब भी आप इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे तो आपका ऐप ड्रॉअर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपके जो इस तरीके से भी यूज़ कर पाएंगे आप क्लासिक मोड में भी और आप ऐप ड्रॉअर के साथ भी इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे।
एक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ इनकमिंग कॉल के लिए। जब आपकी इनकमिंग कॉल आती है तो आप चाहते हैं कि आपके जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे चले लुक जुप हो, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से फ्लैश वैन रिंगिंग इसको ऑन कर देना। अब क्या होगा, जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आएगी ना तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो बंद होगी, जलेगी, बंद होगी, जलेगी। उसके बाद बैक जाएंगे, यहीं पे आपको एक सेटिंग मिल जाएगी कॉल रिकॉर्डिंग की, तो आप इस पर क्लिक करेंगे कॉल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। इसको आप यदि आप इनेबल कर देंगे, इनेबल करने के बाद क्या होगा, जितनी भी कॉल आपकी आएंगी या जाएंगी वो सब आपके रिकॉर्ड होती रहेंगी। आप चाहे तो ऑल नंबर्स पर क्लिक कर सकते हैं या सेलेक्ट नंबर पर क्लिक करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कौन कौन से नंबर की कॉल आपके रिकॉर्ड होनी चाहिए। और एक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप फास्ट काम करवा सकते हैं। मान चलिए आप किसी को जल्दी से कॉल करनी होगी तो आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 यहाँ पे दवाई रखूँ तो किसको कॉल लगनी चाहिए वो यहाँ पे मैं SDS करके वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस वाले नंबर पर मेरी कॉल लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, 2 दवाई रखूँगा, फटाफट से मेरी कॉल इस नंबर पर लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप 3 पे 4 पे 5 पे सब पे क्विक डायल सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे सेटिंग्स मैंने आपको बता दिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितनी सेटिंग्स इनमें से आपको पहले से आती थी।